ये कैपिटल। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सामने आपका ये हमारी सब्जी मंडी है जी, वहाँ पे मतलब आप किसी भी वक्त चले जाएं तो दरियावारी साइड पे वो कूड़ा, वो सारा जो उसका कूड़ा होता है इसका मंडी का जी, और उससे हट के भी जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो दरिया की तरफ वहाँ पे फेंका जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। एक तो उससे पोल्यूशन फैल रही है और दूसरा उससे दरिया में जो है वो जा रहा है। रिसाइकलिंग प्लांट के लिए वापटा ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को तकरीबन 26 करोड़ रुपए दिए, ये दो तीन साल पहले की बात है, ठीक हो गई। तो वो रिसाइकलिंग प्लांट अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है? नहीं फिर भाई उसकी बहुत पेशरफ्त हुई है। उसका सबसे पहले मुझसे पहले दो साल का वो मनसूबा रुका हुआ था, मैं बैठा जब महीने के बाद मुझे पता चला, मैंने बाकी शोबों की ब्रीफिंग ली, ना मतलब मैं नया आदमी था, मुझे तो एकदम नहीं पता था ना क्या है। मैंने मुझे जिस वक्त पता चला कि 28 करोड़ रुपया नीलम जल वालों ने दिए, वी डी उसके कौन है शकील गिलान से, मैंने उनको सेक्रेटरी साहब से मिला, उन्होंने कहा जी जगह का इशू है। वो कहते हैं कि कम से कम जिधर हो ये प्लांट लगेगा उधर 80 कनाल जगह हो, जगह नहीं मिल रही। 40 कनाल हमारी जगह थी किधर, जमनाबाद। पहले मैंने 3 महीने लगा के मसूर को, उस वक्त सेक्रेटरी थे डार साहब, मसूर का था डार साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। मैंने कहा जी अगर ये पैसे वापस चले गए, ये प्लांट हम ना लगा सके, कहें कि कितने लगाए कि हम कितने पैसे दिए, ये नहीं लगा सके, पैसे मसला होता है, पैसे तो हैं। उन्होंने कहा जी जगह हल्का चार के अंदर उधर, उन लोगों का भी शुक्रिया, वो मेरे तलक वास्ते वाले थे, उनको मैंने उठाया, मैंने कहा ये पैसे वापस हो जाएंगे, अब इधर ही लगेगा प्लांट, 40 कनाल है, 40 कनाल जगह और दे दें। वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, उनके साथ मसूद रहमान साहब डी सी थे उस वक्त, हम 3 लोगों के 3 महीने लगे। देखें जिसने अच्छे काम में ऐसा डाला उसको याद रखना चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं। मंसूर कादर डार साहब और डी सी साहब का डिस्ट्रेक्टर साहब आपको फ्री हैंड जितने की ये देते हैं। मैंने कहा ये नहीं है ये पैसे उन्होंने दिए मैं उठा के इनको दे दूँ मैं मुनासिब कीमत पर। अब हमारे साथ जो रकबा वार्ड हुआ था, जो वो दूसरा प्रोजेक्ट लग रहा है सरा वाला, वो 10 से 12 लाख रुपये पर कदाल हुआ। मैंने उनकी मेहनत समझे, मेहनत की, उनके अगर ट्रस्ट की, मैंने कहा कि ये आपका भी ऐसा है सदका ही जा रही है, वो ली हमने 7 लाख रुपये करना, 40 नहीं ली। फिर मैंने ऊपर मेन रोड से, मैंने कहा कल ये ना ये रोड ही बंद कर दो, नीचे प्लांट और रोड, मैंने कहा ये सारा रकबा 50 कनाल रकबा लिया, अब हमारे पास है 100 कनाल। उसके बाद पेशरफ शुरू हो गई। फिर उसके बाद था दूसरा इसका गाड़ियाँ लाना, वो गाड़ियाँ जो हमारी आ गई हैं बड़ी गाड़ियाँ सूखी भी आ गई हैं, एक इस तरह बाकट एक ट्रैक्टर है वो भी अच्छा लगे महीने, वो प्लांट पे काम शुरू हो गया। आपको बताता हूँ मैं, तीसरा काम था डिस्पेन, उसमें जो इस वक्त 30 बड़े लग चुके हैं, जिस तरह नीलम आपने देखे हैं नीचे किले के सामने है, जय रोड के ऊपर है, छत्तर है, दुबेर है, अब आ गया वो प्लांट वाला। 3 दफ़ा पहले टेंडर हुए उसके, वो टेक्निकल बिल्ड है, मशीनरी है सारी, पोर्ट स्पोर्ट सारा कुछ सामान पास से मंगवाने मशीनरी, जिधर रिसाइकलिंग होनी है और 7 आइटम बनने हैं इस कचरे से, इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड इस कचरे में, और इसके अंदर 7 आइटम मतलब 200-300 लोगों का रोजगार भी था जिन्होंने काम करने, उसमें ठीक लोग नहीं आ सके। अब किसी को हम वैसी राह चलते को तो नहीं दे सकते थे ना, 16-17 करोड़ का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इस दफ़ा हमारे 29 को टेंडर हुए कश्मीर हाउस, इस दफ़ा मुद्री रखे, पहले इधर करते थे वो लाहौर वाले नहीं पहुँच सकते थे, 2 साल तक जो भी वो पार्टी लेगी 2 साल तक उन्हें चला के देने हमारे लोगों को ट्रेन करके। अब 3 लोग टॉप पे हैं इस वक्त, 5 लोग आए बेहतरीन जिन्होंने इससे पहले 4-4 प्लांट लगाए, उसमें से 2 या 3 दिन तक वो डी जी साहब, वो जो 72 करोड़ रुपया इसने जायका इसने रखा था इसके MCDP में इन्हीं रिसाइकलिंग प्लांट्स के लिए, ये जो नीलम के दरिया के किनारे पे, ये आप सातरा मोड़ से नीचे देखें ना और वो आगे ऊपर शोकर लाइन वाली साइड नाले के किनारे पर भी हमने देखे, वो प्लांट्स कुछ वहाँ पे भी लगे हुए थे, लेकिन वो काम आधा छोड़ के वो MCDP वाले चले गए। उनको अगर फंक्शनल किया जाए तो क्या वो भी कारगर साबित नहीं होंगे? उनको अगर इस सीवरेज जो सीवरेज MCDP ने डाली है, बेसिकली वो सारे प्लांट्स MCDP की सीवरेज लाइन को लिंक कर रहे थे, वो लिंक नहीं कर रहे आप, वो पैसा तो ज़्यादा, वो तो उस काम के साथ था ना जो सीवरेज काम ये जो सेपरेट टैंक बने थे, हाँ यही साफ होता था, वो तो कहते हो ना वो काम तो उसका नाम ही मिले ना, उसमें तो इतनी 2 नंबरी हुई है, वो तो इतना बड़ा केस है कश्मीर की तारीख का बड़ा केस बन सकते हैं, उसके अंदर इतना दखला हुआ है। PC1 और है जो मौके पे काम है वो और है, उसके मुताबिक तो उसका काम ही कुछ नहीं, वो तो टोटल मैंने आपको स्टार्ट में किया था उसमें बहुत ज्यादा हुई, वो लोग कसूरवार हैं जो आपको जो